Add 27 photos to this sound and let it sink. गाइज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ। हाय गाइज, सो मेरा नाम है राहुल और अभी जो आपने एक वीडियो का प्रीव्यू देखा, ये ट्रेंड इंस्टाग्राम पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है एंड काफी सारे लोग इस पर वीडियो बना के अच्छे खासे व्यूज ले चुके हैं। तो स्पेशली अगर आप एक फोटोग्राफर है तो आपको ये वाला ट्रेंड जरूर से बनाना चाहिए। इस ट्रेंड को बनाने के लिए हमने सिर्फ एक ऐप का यूज किया है, जो ऐप इजीली प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उस ऐप का नाम है VN एडिटर। तो आपको प्ले स्टोर पर जाके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आप ऐप को ओपन कर लेंगे। वंस आपका ऐप ओपन हो जाता है उसके बाद आपको नीचे इस वाले प्लस बटन पर टैप करना है, देन आपको एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। आपने नोटिस किया होगा ट्रेंड के स्टार्टिंग में एक वीडियो थी बैकग्राउंड में और उसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। टेलीग्राम से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको अपनी खुद की कोई वीडियो चूज करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो पर टैप करके उसको इम्पोर्ट कर लेंगे। वंस हमारी वीडियो यहाँ पे टाइमलाइन में इम्पोर्ट हो जाएगी, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी वीडियो का ड्यूरेशन होना चाहिए वो 4.71 से 4.75 के बीच में होना चाहिए, मैक्सिमम 4.75 होना चाहिए इन सेकेंड्स, ठीक है। तो आप अपनी वीडियो को क्रॉप कर लेंगे उतना, वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको वीडियो पे टैप करना है, देन ट्रिम पे जाके उसको आप आगे पीछे करके क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको देख रहे होंगे, आपको लास्ट में एक एंड स्क्रीन दिख रही होगी, ये हमें VN खुद से देता है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो इस पर टैप करके इसको डिलीट कर देंगे। ये हो जाने के बाद सबसे पहले हमारा जो वीडियो के ऊपर टेक्स्ट आता है हम उसको ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट पर जो प्लस बटन शो हो रहा है इस पर टैप करना है, एंड देन टेक्स्ट पे टैप करना है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड पे जाना है, एंड देन यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट है उसको टाइप करना है, वो है हमारा एड 27 फोटोज टू दिस साउंड एंड लेट इट सिंक। तो हम वो टाइप कर लेते हैं। ये टाइप हो जाने के बाद थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करते हैं, लाइक इसका फॉन्ट कलर ऑरेंज कर देते हैं, एंड जो इसका फॉन्ट स्टाइल है उसको हम कॉशन कर देते हैं, आप अपने चॉइस का कोई भी चूज कर सकते हैं, एंड देन जो इसका साइज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, एंड देन डन पे क्लिक कर देना है आपको। आप देख रहे होंगे जो फ़ॉन्ट का ड्यूरेशन है वो काफ़ी छोटा है, तो इस पर टैप एंड होल्ड करके इसको हम वीडियो के ड्यूरेशन तक ले आएंगे, क्योंकि हमें पूरी वीडियो के साथ में इस टेक्स्ट को रखना है। ये हो जाने के बाद आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ का याद रखना है, आप ऊपर आप ओरिजिनल देख रहे हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट का एस्पेक्ट रेशियो है, तो आपको इस पर टैप करके इसको 9:16 कर देना है, जो कि हमारी रील्स का एस्पेक्ट रेशियो है। ये हो जाने के बाद हमारा अब टेक्स्ट ऐड हो गया, अब हम म्यूज़िक को ऐड करेंगे। म्यूज़िक को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको म्यूज़िक वाले प्लस बटन पर टैप करना है, एंड देन म्यूज़िक पर टैप करना है। इस म्यूज़िक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेलीग्राम से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, एंड देन डन कर देना है, तो ये वाला म्यूज़िक आपकी टाइमलाइन में इंपोर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा हमारा म्यूज़िक अच्छे से प्ले हो रहा है, अब हमें अपनी फ़ोटोज़ को सिंक करना है म्यूज़िक के साथ में। तो इस ट्रेंड के लिए हमें एग्जैक्टली 27 फ़ोटोज़ ही रिक्वायर्ड है, तो आपको उनको इम्पोर्ट करना है। उनको इम्पोर्ट करने के लिए आपको इस बड़े वाले प्लस बटन पर टैप करना है, एंड देन फ़ोटो वीडियो पर टैप करना है। मेरे पास 20 फ़ोटोज़ हैं, तो मैं मेरे पास 10 फ़ोटोज़ हैं, तो मैं उनको दो बार इम्पोर्ट करूँगा। आपको एग्जैक्टली 27 फ़ोटोज़ को इम्पोर्ट करना है, सारी डिफरेंट होना चाहिए, तभी ये ट्रेंड आपका अच्छा लगने वाला है। ओके, नाउ आपकी 27 फोटोज इंपोर्ट होने के बाद आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी फ़ोटो का साइज रहने वाला है वो भी 9:16 होना चाहिए, तभी वो रील्स पे अच्छा लगने वाला है। तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं आप, आपको कोई भी फ़ोटो पे टैप करना है, एंड देन क्रॉप पे जाना है, एंड देन इसको 9:16 कर लेना है। मैंने अपनी सारी फ़ोटोज़ 9:16 के एस्पेक्ट रेशियो में क्रॉप करके रख रखी है, तो मेरे को कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हर एक फ़ोटो पे जाके इसका रेशियो चेंज कर सकते हैं, वरना आप जब उसको रील्स पे अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो क्रॉप हो सकती है।
ये हो जाने के बाद हमें अब फोटोज का ड्यूरेशन सेट करना है। फोटोज का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है 0.40 सेकेंड्स। तो आपको फोटो पे टैप करना है एंड देन ट्रिम पे जाना है एंड हर एक फोटो का ड्यूरेशन 0.40 सेकेंड्स कर लेना है। कुछ फोटोज़ का ड्यूरेशन सेट करने के बाद आप एक बार उसको प्ले करके देख सकते हैं कि वो एक्चुअल में कैसा लग रहा है। Add 27 photos to this sound and let it sink. So guys, आपने देखा ये ट्रेंड एकदम परफेक्ट बना है। तो जल्दी से जल्दी हम अपनी सारी फोटोज का ड्यूरेशन सेट कर लेते हैं एंड देन हम लास्ट में इसका रिजल्ट देखने वाले हैं। तो गाइस हमारा ट्रेंड कंप्लीट रेडी हो चुका है। एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। Add 27 photos to this sound and let it sink. So guys, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे टैप करना है एंड देन ये जो एक्सपोर्ट ओरिजिनल है इसको ऑफ रहने देना है एंड जो वीडियो का FPS रखना है वो आपको 30 रखना है एंड देन डन पे क्लिक कर देना है। ये आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी एंड आपका कंप्लीटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं Instagram से रिलेटेड ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी या।